मुंबई में उत्पातियों के झुंड ने जमकर किया तमाशा, नशे में धुत होकर मुस्लिम परिवार पर टूट पड़े, पहले लूटा फिर जय श्री राम के लगवाए नारे। लूटपाट करने वाले मवालियों की करतूत का हो गया खुलासा, हरे गए तो मांगने लगे माफी, अब मुसलमानों ने भी खोल दिया मोर्चा। कमल छापों की सरकार में छोड़ दिए गए मवाली बार बार मुसलमानों पर हमले की खबर, राम के नाम पर क्यों काट रहे बवाल। अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अगर गलती से भी कोई मुस्लिम कोई टिप्पणी कर देता तो यकीन मानकर चलिए उसको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता, उसके घर को जमींदोज कर दिया जाता। लेकिन जब मुसलमानों की तरफ से नहीं उठी कोई विरोध की आवाज, तो भगवान राम के फर्जी भक्तों की फौज सड़क पर उतर आई है, जहां भी मौका मिल रहा है मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। भाई हम लोग भाई बाइकल्ला में खड़े, नाम क्या भाई तुम्हारा? नाजिर। और तुम और कौन है भाई दूसरा? तुम्हारा नाम क्या है? करमुल्ला। हिंदू मुस्लिम में पीएचडी करने वालों की फौज इस शख्स को देखकर आसानी से अनुमान लगा सकती है कि ये किस समुदाय से ताल्लुक रखता है। जी हाँ, ये अकेला नहीं है जिस पर लुच्चों का झुंड टूट पड़ा, इसके परिवार के एक एक सदस्य को बेरहमी से पीटा गया। मेरे नाती को मारे। आपको मारेगा? कापे मारे आपको? कापे लगा था आपको? ये देख रहा है पूरा हाथ तो सब चीर चार दिए। इनके जिस्म पर गुंडई की कथा लिखने वाले कोई और नहीं है बल्कि अनुज, उमेश और ऋतिक है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर को हेट डिटेक्टर नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और दावा किया गया है कि मुंबई के बाईकुला में अनुज, उमेश और ऋतिक नाम के लड़कों ने पहले मुस्लिम परिवार पर हमला किया, उनसे लूटपाट की और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगवाए। जब नारे लगाने से मना किया तो उनको बेरहमी से पीटा गया। सोचिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी कुछ इस तरह से ही मुंबई के मीरा रोड पर उत्पातियों के झुंड ने किया था तमाशा, लेकिन कार्रवाई मुसलमानों पर कर दी गई। एक बार फिर से उतरे हैं सड़क पर उत्पाती, जहां दिखते हैं इस्लाम परस्त उन पर टूट पड़ते हैं। स्पेशल डेस्क द कंटा।